हेलो फ्रेंड्स, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शाही ब्रेड की रेसिपी लाए हैं। देखिए, ये ब्रेड को मैंने चार पांच ब्रेड है जिसको तिकोना काट लिया है, और हमने आधा केजी दूध हमने देखिए गैस पे चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। इसको हमको जला के आधा कर लेना है। जब तक हमारा दूध जल कर आधा होता है तब तक हम इधर देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल भी डाल दिया है, और हमारी तेल जब तक गर्म होती है हमें ब्रेड को सुनहरा उसमें तल लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। चलिए तलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ब्रेड को डाल दिया है, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए हमारे दूध भी उबलने लगी है, अब इसे हम जला के आधा कर लेंगे। देखिए हमारे ब्रेड भी, देखिए हमारा ब्रेड भी एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे भी हम पलट देते हैं। देखिए इसी तरीका से हमें सारे ब्रेड को ब्राउन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड पूरा ब्राउन हो चुका है। इस तरीका से हमें तल लेना है, और हमारे दूध भी अब जल के आधा हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद इसमें जो हम दूध का खोआ बनाएंगे इसमें डाल देंगे। इसमें इलायची का फ्लेवर डाल देंगे। देखिए हमने इलायची डाल दिया है, और दूध हम थोड़ा सा जला लेंगे, फिर चीनी डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें हम 5-6 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। ये केसर है, केसर के 2-3 धागे हम 4-5 धागे ऐसे डाल देंगे, और थोड़ी देर दूध को हम चीनी मेल्ट होने तक खौलाएंगे। जब तक केसर का कलर आ जाता है तब तक इसे हम और उबाल लेंगे थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रबड़ी बनके तैयार है। अब इसे हम जो हमने ब्रेड तल के रखा है उसमें अब हम डालेंगे। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें, ये बहुत ही टेस्टी रहती है, मुंह में डालते ही ये घुल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शाही ब्रेड बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखें। थैंक यू।